अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिफा शाही सिलाई सेंटर। गाइस, मैं आपको आज हाफ बैंग के साथ और डोरी पाइपिंग लगाकर यहाँ गला बनाने का तरीका जो है वो बताने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ये शर्ट की कटिंग कर रही है। शर्ट की कटिंग का तरीका मैं पहले बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हाफ बैंग लगानी है, यहाँ से जो है वो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो है 3 इंच, देख लें। और इस तरफ को 1 इंच बढ़ाते हुए 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हम कुछ यहाँ बैंड लगाने के लिए जो है गला ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास गला ड्रा हो गया। अब ये जो है ये लेडीज़ बुकरम है, इसके साथ जो है इसके काम करना है। बैंड जो है वो हाफ लगना है, ठीक है। और इस पे ऊपर जो गला है वो हमने कुछ इस तरह से, यहाँ हमने 3 इंच का छोटा सा वी बनाना है इस तरह से। इस तरह से, और ये पट्टी जो है यहाँ से ऐसे सीधी रहेगी। यहाँ डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल होगा, इसमें क्योंकि ऑरेंज कलर के फूल बने हुए हैं तो ये ऑरेंज कलर की डोरी जो है मैं इस्तेमाल करूँगी। और इसके ऊपर बैंड लगाना है, हाफ बैंड जो लगाना है वो ये मैं इस कलर का लगा रही हूँ, मरजेंडा कलर का। मरजेंडा कलर का बॉर्डर है इस शर्ट का, तो बैंड भी इसी के साथ का लगाएंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें चिपका कर तो आपको दिखाती हूँ। पहले ये जो मैंने गले का निशान लगाया था इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है, और यहाँ जो मैंने 3 इंच का वी का निशान लगाया था वो भी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके साथ जो है हम तकरीबन 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ लाइन लगा कर इसको भी काट लेंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देखें गाइस, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैंने जो है डिवाइड कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है क्योंकि डोरी पाइपिंग ऑरेंज कलर की मैंने लगानी है, मैंने आपको बताया था। तो उसके साथ जो है ये मरजेंडा कलर के दरमियान में मोती लगाने हैं मैंने। तो अब डोरी पाइपिंग लगाते हैं ऐसे रखते हुए यहाँ 2.2 के मार्जिन के हिसाब से। ये देखिए, जितना ये डोरी पाइपिंग का मुड़ा हुआ कपड़ा है इतना ही मार्जिन में इसका कपड़े का रख रही हूँ। गले के साथ इसको रखते हुए इस तरह से डोरी के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। गाइस ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एक साइड की हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से लग चुकी है। ये देखें, ये जो मैंने कट लगाया था, मार्जिन किया था, उससे मैंने 1/2 इंच नीचे लेकर आई हूँ। यहाँ मैंने इसको पक्का कर दिया है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह रख के पाइपिंग लगा कर तो आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें, हमारी पाइपिंग जो है वो गले की दोनों साइडों पे जो है वो माशाल्लाह से लग चुकी है, ठीक है। और इसकी उल्टी साइड आपको दिखाती हूँ। उल्टी साइड इसकी जो है वो कुछ इस तरह से है, ये देखें ऐसे। अब हमने यहाँ वो तिरछा कट लगाना है दोनों साइडों पर, कोनों पर। घूम पट्टी की तरह इसे पीछे को पलट देना है, पलट के प्रेस करके आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हमारी डोरी पाइपिंग जो है जो बहुत बारीक सी नफीस सी इसके ऊपर लग चुकी है। अब इस हिस्से को कवर करने के लिए हम पहले कोई कपड़ा लगाएंगे, फिर उस कपड़े के ऊपर हम मोती लगाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब मैं इसका यहाँ से तीरा ज्वाइंट करते हुए ये बैंड अटैच, जो बैंड जो है ये मैं तैयार कर चुकी हूँ, इसके साथ अटैच करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से होते हुए यहाँ ला के ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं मशीन की तरफ। बैक साइड का गला जो है वही 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन कटिंग कर दिया मैंने। कटिंग करके यहाँ से मैंने पट्टी को, फ्रंट पट्टी को बराबर रखते हुए यहाँ सेंटर में कट लगा के अब वही उल्टी साइड से बैंड के भी सेंटर में इस तरह पकड़ते हुए, कुछ इस तरह से हल्के हाथों से पकड़ते हुए यहाँ कट लगा लेंगे। यहाँ बैंड के जो है ना वो कोना नहीं बनना चाहिए, वरना बैंड की शेप खराब हो जाती है। अब उल्टी साइड से रख के ऐसे कमीज को, पाइपिंग को हम फोल्ड करेंगे क्योंकि बाद में हम इस पर तिरपाई करेंगे। यहाँ से हम बैंड को लगाना स्टार्ट करेंगे। एंड पे फिर यहाँ ऐसे बैंड को रखते हुए वही 1/2 इंच का मार्जिन, यहाँ से ये जो कोना एक्स्ट्रा होता है उसको मैं ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ, ये अंदर की तरफ चला जाता है। इस बैंड को हम कंप्लीट करते हैं।
शर्ट के साथ बैन अटैच करने के बाद मैं इसको पैक कर रही हूँ। यहाँ से ये मैंने सारी सिलाई लगा के अब ऊपर की तरह सिलाई सारी ऐसी लगाती हूँ। गाइज, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारा बैन जो है वो इस शर्ट के साथ अटैच हो चुका। अब ये जो खाली जगह है इसके अंदर कपड़ा लगाती हूँ और लगा के फिर उसके ऊपर मोती लगा कर फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। 1.5 इंच चौड़ाई में ये देखें, ये पट्टी लगाने के लिए, यहाँ से पैक करने के लिए 1.5 इंच चौड़ाई में मैंने ये पट्टी ली है। पट्टी को ऐसे डबल कर लेना है, डबल करके ये देखें यहाँ नाप करके देखें, इससे तकरीबन इस कट से जो है ये तकरीबन 1 इंच नीचे है। यहाँ से अब इस पट्टी को मैं उल्टा करके यहाँ एक साइड से पैक कर लूँगी। ये पैक इसलिए करना है ताकि अगर ये यहाँ टिच बटन, एक टिच बटन लगाने का मार्जिन हम रख देंगे, खुदा ना खासा अगर ये गला छोटा हुआ तो फिर वो आसानी से खोल के सर गुजार सकेंगी जिनका ये कपड़े हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए पट्टी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर ली है। अब यहाँ से ये जो डिज़ाइन ऊपर भी शेप शुरू हो रही है उसके थोड़ा सा नीचे के रखते हुए इस तरह से मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी डोरी पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ। इस साइड से शुरू करके मैंने ऐसे लगाते हुए ये चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए नीचे से यहाँ आ गई हूँ। यहाँ मैं जो है इतना 2 इंच का तकरीबन जो है वो मार्जिन की मैं पट्टी का छोड़ दूँगी एक टिच बटन लगने के लिए। तो यहाँ अब लाकर हम इसको पक्का कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे सुनने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।